आज हम भारत के पांच सबसे बड़े डैम के बारे में जानने वाले हैं, जिनका पानी हम घरेलू, व्यापार, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। बांधों और जलाशयों का सजीवों के जीवन में इतने सारे लाभ हैं कि उनके बारे में जानने के बाद आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं भारत के पांच सबसे बड़े और सबसे उपयुक्त डैम्स के बारे में। नंबर एक, टिहरी डैम। यह डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है और दुनिया का आठवां सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी डैम उत्तराखंड के टिहरी के पास भागीरथी नदी पर स्थित है। इस बांध से करीब 1000 मेगावाट की बिजली की उत्पादन की क्षमता है। टिहरी बांध का निर्माण 2006 में पूरा हुआ था। टिहरी बांध की ऊंचाई 260 मीटर और लंबाई 575 मीटर है। नंबर दो, भाखड़ा नांगल डैम। यह डैम भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला डैम है। यह डैम की ऊंचाई 171 फीट और लंबाई 741 फीट है। यह डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1963 में किया गया था। इसकी बिजली की उत्पादन की क्षमता 1350 मेगावाट की है। नंबर तीन, हीराकुंड डैम। यह डैम भारत का सबसे दिलचस्प डैम है, जो दुनिया में सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, जो उड़ीसा के महानदी पर बनाया गया है। 13 जनवरी 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। यह इकलौता ऐसा डैम है जिसे मिट्टी और कंक्रीट से संरचित किया गया था। यह डैम 55 किलोमीटर लंबा है। भारत के आजादी के तुरंत बाद इसका निर्माण किया गया, जिसका मूल उद्देश्य सिंचाई और बिजली निर्माण करना था। 347 मेगावाट की इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता है। नंबर चार, सरदार सरोवर डैम। गुजरात में नवाग्राम के नर्मदा नदी पर बना यह दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह बांध भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन चार राज्यों के लिए काफी लाभदायक है। इस डैम की बिजली उत्पादन की क्षमता 1540 मेगावाट की है। नंबर पाँच, इंदिरा सागर डैम। भारत में इकलौता 12.22 अरब घन मीटर की क्षमता वाला यह सबसे बड़ा जलाशय है। नर्मदा नदी पर निर्मित यह बांध 92 मीटर ऊंचा और 653 मीटर लंबा बांध है। यह डैम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मुंडी में स्थित है। इसकी बिजली निर्माण की कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है। दोस्तों, ये थे भारत के पांच सबसे बड़े और सबसे उपयुक्त बांध। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए।